हाय गाइस, दिस इज मनमोहन भैया टॉकिंग टू यू ऑन दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है आईटी में एडमिशन के लिए। जो आईटी में एडमिशन का प्रोसेस था उसमें एक बड़ा नया चेंज आया है अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड फॉर ओनली 2020 स्टूडेंट्स। और मैं इस चेंज को इसलिए बात करना चाहता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ ये चेंज परमानेंट हो जाए, दैट्स अ विश, बट लेट्स सी। तो ये चेंज है कि मैं समझाता हूँ आपको पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईटी में एडमिशन होता कैसे है। जो आईटीज हैं इंडिया में, देर आर 23 आईटीज, देर आर द ओल्ड वन। पहले शुरू में 5 आईटी थी, जब मैं आईटी गया तब आईटी दिल्ली जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, देन आईटी बॉम्बे, आईटी कानपुर, आईटी खड़गपुर, एंड देन आईटी गुवाहाटी, फिर आईटी रुड़की उसके बाद ऐड हुआ, एंड देन दे केप्ट एडिंग मोर एंड मोर आईटी। सो आज 23 आईटीज हैं हमारे यहाँ पे। उसमें स्टूडेंट प्रोसेस क्या है उसका, कि जो जो स्पेशली 11th 12th में है उनको तो पता ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जो अभी फाउंडेशन ईयर्स में है, जो 8th 9th 10th में है, तो मे बी ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए काम आए। कि जो अभी प्रोसेस क्या है कि आपको पहले आईटी मेन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि दो फेज़ में होता है। दो फेज़ मतलब दो बार दे सकते हो आप, और उनको मिला के कंबाइंड स्कोर बनता है जनवरी में और अप्रैल में। आप चाहें तो खाली एक बार का स्कोर भी ले सकते हो, बट जनरली हर स्टूडेंट दो बार एग्ज़ाम देता है, जनवरी में और अप्रैल में। और उसके बेसिस पे 2,50,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, वही खाली आईटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट? 2,50,000 हर एक, और रफली 9-10 लाख अराउंड बिटवीन, इट कीप्स ऑन वेरिंग, 9 लाख 10 लाख लोग मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। सब एलिजिबल नहीं है, वो चाहते हैं कि ये नहीं है कि भाई पहले ये तो क्लियर करो वहाँ जाने के लिए, बिकॉज सबको पता है कि एडवांस का एग्ज़ाम डिफिकल्ट है और मेंस का एग्ज़ाम ईजी है कंपैरेटिवली। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं एडवांस का। फिर उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम होता है जो कि टफ एग्ज़ाम है, एज वेल एज पैटर्न भी अलग है उसका। वो सिंगल चॉइस होते हैं उसमें, मोर देन वन चॉइस होते हैं, इंटीजर टाइप होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, और एग्ज़ाम भी दो एग्ज़ाम होते हैं, 3-3 घंटे के दो एग्ज़ाम हैं जनरली। बाकी सारे एग्ज़ाम 3 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन एडवांस का एग्ज़ाम 3-3 घंटे के दो एग्ज़ाम होते हैं। तो वो 6 घंटे की टेस्टिंग में से अपना रिजल्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद, और सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्ज़ाम होता है, 3 सब्जेक्ट के अंदर है। दोज हु गेट डिसेंट रैंक इन एंट्रेंस एग्ज़ाम कैन अपियर फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग होता है कि जैसे 23 आईआईटीज है उनमें आपने एडमिशन लेना है, तो आप अपनी चॉइस शीट भर देते हो। दैट्स व्हाट दे से काउंसलिंग है, चॉइस शीट भर के फिर आप द डे कम्स एंड दे कॉल यू, एंड देन यू ऑन द बेसिस ऑफ कि आपसे जो पुराने रैंक वाले, आपसे जो बेटर रैंक के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या आउट किया है, तो अपनी ऑप्शन भर देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। कि जो ऑफकोर्स जिसका रैंक आपसे बेटर है उसकी प्रेफरेंस पहले है, उसकी प्रेफरेंस पहले फुलफिल होगी, फिर आपका नंबर आएगा, विच इज़ अ कॉमन सेंस। अब मेन ये चीज़ जो है जिसमें चेंज आया, मैं अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये, अगर आपका कितने भी मार्क, कितना भी अच्छा मार्क परफॉर्म करें आप आईटी एंट्रेंस का जो एडवांस का एग्ज़ाम है, लेकिन आपके अपने बोर्ड के अंदर जो आपका बोर्ड है, आपका स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, उसमें नेसेसरी है कि 75% मार्क्स आने चाहिए आपके, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, नहीं तो आपका रैंक बेकार है, एडवांस में कितने भी नंबर लिए बेकार है, या फिर आप 20 टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाएँ, राइट? वन ऑफ दीज टू होना चाहिए, कि आपका 75% नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स कि बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोनों दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, एब्सोल्यूट 75% वो आ जाए, और आपका रिलेटिव पेपर इजी मुश्किल भी चेंज हो सकता है, तो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओ। पेपर मुश्किल था, 75% नहीं आया आपके, लेकिन पेपर मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था, तो परसेंटाइल टॉप 20% की भी ऑप्शन दी है, जो कि बहुत अच्छा किया हुआ है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्या चेंज आया है, फिर मैं 2 मिनट बात भी करूँगा। चेंज ये आया है फॉर 2020 स्टूडेंट्स, जो कि बहुत अच्छा किया है उन्होंने, तो लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। अगर पहले करते तो अच्छा रहता जब बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, अब तो जो देना था दे दिया है। तो इस साल क्या होगा, जो एडवांस का एग्ज़ाम है, जो अभी 27 सितंबर को प्लान्ड है, मेंस का है 1st वीक ऑफ सितंबर में, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, मैंने बताया आपको 2,50,000 स्टूडेंट्स की, फिर वो 27 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे। अब उसके एग्ज़ाम में आईटी में एडमिशन्स के लिए जो 23 आईटीज हैं, इस बार वो 75% जो मिनिमम चाहिए आपको, ये चेंज हुआ है, 75% जो मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, राइट? या फिर परसेंटाइल 20% में, वो हटा दिया इस बार, कि सिर्फ आप बोर्ड में पास होने चाहिए, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया, कि आप सिर्फ
अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड में सिर्फ आप पास होने चाहिए, वो 75% नहीं भी आपके आए अगर सीबीएसई बोर्ड में, या आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं भी हो तो यू आर एंड यू परफॉर्म गुड इन एडवांस एग्जाम, आपका रैंक डिसेंट आता है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं कॉलेज में, आप डिसक्वालीफाई नहीं होंगे। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट चेंज क्यों कहता हूँ, देखो मैं खुद टीचर हूँ, 25 ईयर से मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ विद्या मंदिर। तो अब देखो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आप देखो उनको अब 75% मार्क्स लेने हैं बोर्ड के अंदर अपने, मुश्किल बिल्कुल नहीं है कि जो ये हट गया मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ हर साल ही हट जाए या कम हो जाए, 60% हो जाए। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों है, कि बच्चों पे इनॉर्मस प्रेशर है, इनॉर्मस प्रेशर है कि मेंस का एग्ज़ाम है, बिल्कुल अलग अलग सिलेबस सेम भी हो, थोड़ा अलग भी है लेकिन सेम भी हो, उसका स्टाइल ऑफ क्वेश्चन बड़ा फ़र्क है जो एडवांस में आते हैं। तो अब बच्चा ये भी फोकस करना चाहता है मेंस पे एडवांस पे, ये दो तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं, राइट। और साथ में उसको मतलब एक ईजी लेवल भी कवर करना है, डिफिकल्ट लेवल भी कवर करना है, और ये बिल्कुल गलत है, मैं खुद टीचर हूँ, कि आप एडवांस की तैयारी कर लो मेंस की तैयारी अपना हो जाती है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम की दोनों का स्टाइल अलग है, वहाँ पे स्पीड चाहिए आपको करने के लिए, एडवांस में आपको डीप थिंकिंग चाहिए, पैटर्न भी अलग है, वहाँ सिंगल चॉइस है, वहाँ पे सिंगल चॉइस के साथ उन्होंने इंटीजर टाइप भी ऐड कर दिया लास्ट ईयर, 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वहाँ मोर देन वन चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही मतलब माइंड हिला देते हैं, बहुत ही मतलब चैलेंजिंग होते हैं, उनकी अलग प्रैक्टिस चाहिए। ये सब के साथ, ये सब के बावजूद भी स्कूल की वो कहते हैं इतने परसेंटेज लेनी है, तो बच्चे को ये हमेशा रहता है कि मैं कन्फ्यूजन, एक स्प्लिट रहता है दिमाग में कि मैं स्कूल पर फोकस करूँ या कोचिंग पर करूँ। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के भी, मेरी बात समझना, लेकिन बच्चे को एक नया चैप्टर आ गया पढ़ने का, एक नया एक एक, एक मतलब नई प्रॉब्लम आ गई सॉल्व करने के लिए, एक नया पोस्ट आ गया गार्ड करने के लिए, एक नई नया नया नई डायमेंशन खुल गई उसकी, राइट, उसकी नई डायमेंशन खुल गई है, उसकी नई डायमेंशन खुल गई है। तो ये चीज़ आप देखिए कि बच्चों कितना मतलब स्ट्रेस डालती है, यार क्लियर कर लो कि तुम्हें अगर कहाँ कहाँ पे प्राइमरी फोकस करना है। तो ये अगेन मैं कह रहा हूँ 75% बिल्कुल मुश्किल नहीं है बोर्ड में लाना, लास्ट के 1 महीना पढ़ोगे आराम से आ जाते हैं 75%, बहुत कम, बिल्कुल ही लास्ट में बिना पढ़े को एग्ज़ाम से पहले तो मुश्किल होगी, लेकिन जो मेंटल प्रेशर है लगा रहता है वो, स्कूल वाले भी कहते हैं कि यू नो कि आपको देखो नहीं तो पा क्या होगा, नहीं होगा तो क्या फ़ायदा तुम तैयारी करो, आईटी तो जा नहीं पाओगे क्योंकि 75% नहीं आए। तो ये चीज़ मतलब इस साल की है उन्होंने, लेकिन सारा प्रेशर तो बच्चों ने ले ही लिया, बोर्ड का एग्ज़ाम तो कोविड से पहले हो ही गया था, तो प्रेशर तो बच्चों ने ले ही लिया था। तो बस यही था कि अगर थोड़ा आगे इस बारे में सोचें, सारी जो हमारी यू नो सारी एसोसिएशंस हैं जो सारा प्लान करती हैं, राइट, एनसीईआरटी है या यू नो सी बोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं, या अपना जेई सेल है जो सारा जो प्लान करता है, हर कोई मतलब ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एडमिशन्स टू कॉलेजेस, एक बार देखें कि बच्चे को किस तरह से स्ट्रेस कम करना है, उसको एक उसका जो मल्टीपल पिलर्स हैं वो कम कर दें, सिलेबस कम कर दें थोड़ा उसको, यू नो 11th 12th 2 साल का सिलेबस है, पेपर का पेपर की यूनिफॉर्मिटी ले आए, जैसा मेंस का पैटर्न है वैसे एडवांस का होगा, या जैसा एडवांस है वैसे मेंस है, तो कुछ एक चीज़ बच्चे को पता है कि मुझे एक ही डायरेक्शन में फोकस करना है, कम से कम ये तो हो, राइट। तो ये मेरा ओपिनियन था, तो इस साल मुझे अच्छा लगा ये चेंज हुआ कम से कम इस साल, लेकिन ये है बच्चों ने अपनी जो मेंटल टॉर्चर सहा या पढ़ाई करी है उस लेवल पे, जो मतलब पढ़ाई तो करते ही हैं बच्चे, लेकिन एक वो था कि कन्फ्यूजन करना 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 नंबर लेने, जो स्ट्रेस से गुजरे बच्चे वो तो गुजर ही चुके थे। हाँ लेकिन ये अच्छा हुआ है, मान लो किसी का इस बार नंबर नहीं बने हैं, राइट, नंबर नहीं बने हैं 75% या टॉप 20% में नहीं है, तो इस बार वो अपना जी जान से पढ़ सकता है, वो अब वो अपना कोशिश करके अपना वो एडवांस में उसके अभी उससे आउट नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी उसे जो बोर्ड रिजल्ट आया उसमें ये तो वो आउट नहीं हुआ, अभी भी इन है वो, अभी भी आईटी जा सकता है वो। थैंक यू गाइस।